और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां पे चकराता में हादसे में 10 मजदूरों की मौत हो गई है। चकराता के चतरा गांव में सड़क निर्माण में लगे मजदूर हादसे का शिकार हुए हैं। रात को तेज आंधी तूफान से बचने के लिए ये मजदूर एक चट्टान की आड़ में छिपे थे और तभी लैंडस्लाइड हो गया, जिसकी वजह से सभी मजदूर पत्थरों के नीचे दब गए। इस हादसे की खबर मिलते ही अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और अब तक 2 शवों को निकाला जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। 10 मजदूरों की मौत हो गई है। जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है, तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं, जिस चट्टान का सहारा लिया गया मजदूरों की ओर से, वही मौत की चट्टान बनकर सामने आई। और ये बताया जा रहा है वहां पर निर्माण कार्य में ये सब के सब लगे हुए थे, लेकिन जिस तरह से मौसम खराब हुआ, तेज आंधी तूफान आया और इसी वजह से इन्होंने चट्टान का भी सहारा लिया, लेकिन उसी दौरान लैंडस्लाइड हो गया, जिसकी चपेट में आ गए। 10 मजदूरों की मौत हो गई है। 2 शवों को निकाल लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो ये बताया जा रहा है तकरीबन 16 मजदूर थे जो काम कर रहे थे, उस दौरान 2 शवों को निकाला गया है, जबकि 10 की मौत बताई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से फिलहाल मौसम विभाग ने इस बारे में चेतावनी दी थी, तो फिर क्यों नहीं एहतियातन कोई कदम प्रशासन ने उठाया? क्यों नहीं इनके लिए एक सुरक्षित जगह मुहैया कराई गई? क्यों रात में भी ये काम जारी था? इस तरह के कई सवाल जरूर सामने आ रहे हैं। सोनू सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सोनू, अभी क्या अपडेट है? देखिए श्वेता, जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है वो लगभग अंतिम चरणों में है। जो लोग फौरी तौर पर घायल हुए थे उनको अस्पताल भेज दिया गया है, और जो लोग काल के ग्रास में समा गए, जो श्रमिक, उनको उनकी डेड बॉडी को निकाल लिया गया है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, यदि राजधानी के आउटर एरिया में ये हाल है, तो पहाड़ी इलाकों में जो बहुत ही दूर क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, वहां पर किस तरीके के इंतजाम खास तौर पर होंगे? बार बार मौसम खराब होने की जब चेतावनी दी जाती है, उसके बाद ये जो श्रमिकों से काम कराया जाता है, आखिर इनके रहने की प्रबंध क्यों नहीं किया जाता? सोनू, मुझे ये भी तो बताइए कि कई बार ऐसी भी चीजें होती हैं जब काम रोका जाता है खराब मौसम की वजह से, इस बार क्यों नहीं किया गया था? रात की घटना, उस वक्त काम तो नहीं हो रहा था, लेकिन काम करने के बाद जहाँ इनको एक स्थान पर ठहराया जाना चाहिए था, ये वहाँ पर नहीं थे और इनको गाँव के बाहर रोका गया था। निश्चित तौर पर जब ये मौसम खराब हुआ, तो मौसम की मार इनकी मौत का एक कारण बनी है। चलिए सोनू, अपडेट आगे लेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।